और तो अभिषेक कुमार ने दिया ईसा मालवी को जवाब। हम सभी जानते हैं कि रिसेंट के एक इंटरव्यू के दौरान ईसा मालवी ने अभिषेक कुमार को लेकर बहुत सारी चीजें बोली थी, जिनमें से उन्होंने ये बोला था कि मेरा नाम लेकर कब तक फेम लोगे, बच्चों को भी ये क्या कहानी ब्रेकअप की सुनाओगे। जहां पर इस पर की अभिषेक कुमार की तरफ से तगड़ा जवाब आ चुका है ईसा मालवी के लिए। जहाँ पर हम सभी जानते हैं कि भाई अगर देखा जाए तो अभिषेक कुमार ने उतना कुछ, वैसे हम देखा जाए तो मतलब सोशल मीडिया पर हमें उनकी तरफ से इतना ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला। हाँ, एक से दो बार हमने देखा है कि अभिषेक कुमार ने बात की है, लेकिन वहाँ पर इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया तब उनसे मतलब उन्होंने बताया। और एक रील्स में हमने देखा था रिसेंट में, जो जहाँ पर मुनावर और अभिषेक देखने को मिले थे, जहाँ पर उन्होंने मतलब ईसा मालवी को ट्रोल किया था। लेकिन अगर बात की जाए ईसा मालवी की, तो ईसा मालवी ने हर एक इंटरव्यू के दौरान अभिषेक की बात की है, ये हम सभी जानते हैं। वहीं पर अभिषेक कुमार ने अभी क्या कहा है, चलिए आपको बताते हैं। जहां पर उन्होंने लिखा, ऐसे लोगों का नाम लेके मुझे नहीं लगा कि मुझे कभी फेम मिला है, और न ही मैं अपनी जुबान को इनका नाम लेकर अपनी जुबान को मतलब खराब करूंगा। और अगर इनको इतना ही ज़्यादा अपने ऊपर गुरूर है कि मैंने इनके नाम पर व्यूज उठाए हैं, तो अपने और मेरे सॉन्ग के व्यूज के नंबर देखकर ही खुद ही अंदाज़ा लगा सकती हैं, और साथ ही फैंस तो इस चीज़ को अच्छे तरीके से जानते हैं। जहां पर कहीं ना कहीं इस चीज़ का अंदाज़ा साफ हो चुका है कि बहुत ही तगड़ा जवाब आ चुका है अभिषेक कुमार की तरफ से। आप किसके सपोर्ट करते हैं, किसके साइड, हमें कमेंट से उसका नाम ज़रूर लिखें। तब तक ले, बाय बाय।